वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। मेरठ के खरबौदा थाना क्षेत्र में बोरे में बंद कर फेंकी गई युवती की 24 घंटे बाद भी पहचान नहीं हो पाई। युवती कौन है, कहां से आई और किसने इस कृत्य को अंजाम दिया, ये पुलिस जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है। नग्न अवस्था में जिस तरह से शव बरामद हुआ उसे देखते हुए उसके साथ बलात्कार होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। अलबत्ता जिस तरह से सिर पर ढोकर हत्यारा लाश वाले बोरे को उठाकर इधर उधर गलियों के चक्कर लगाता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः हत्यारा गलियों से वाकिफ रहा होगा। बोरे में भरा गया ये शव रविवार की सुबह खरखौदा थाना क्षेत्र के जमुना नगर में गैस गोदाम वाली गली के बाहर फेंका गया। शव के चेहरे पर कटे के निशान में मुंह से निकलता खून उसके साथ बरती गई बर्बरता की गवाही दे रहा है। हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए युवती के बाल भी काट दिए थे। देखिए वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें हत्यारा सिर पर बोरा लादे हुए गलियों में चक्कर लगा रहा है। बोरा लाद के छोटा होगा तब आ जाएगा ये। अब चारों तरफ देख रहा है ये, या ये गिर गया हो तू वजन है फिर लाद ले देख रहा ना लड़के ने पीछे को देखा था ना अब समझ रहा है वो चार जीव मोटरसाइकिल वाला निकल गया स्कूटी वाला या अब रखेगा ये थोड़ा पीछे करो ना गायब माल घुस रहा है वहीं पे यार नहीं यहाँ पे स्टैंड नहीं हो पाया। हाँ ये लेडी थी लेडी आ गई ना स्टैंड नहीं हो पाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। डॉक्टर शलभ बंसल रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।